नमस्कार, मेरा नाम आशुतोष है और आप IBTV देख रहे हैं। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय इसलिए बैठे हैं क्योंकि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि क्या बिहार में थर्ड फ्रंट की भी गुंजाइश है, क्या कुछ ऐसे दल भी हैं जो अपना अलग मोर्चा बना करके चुनाव लड़ सकते हैं क्या। ऐसा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि चिराग पासवान की जो शर्त है या माझी की जो शर्त है, मुकेश सहनी की जो शर्त है, वो मतलब ऐसा लग रहा है कि शायद वो शर्तें पूरी नहीं होने वाली है और वो बहाना ढूंढ रहे हो अलग निकलने का। तो क्या ऐसा पॉसिबल है और क्या उनके हित में कैसा रहेगा ये डिसीजन अगर वो थर्ड फ्रंट बना करके दो तीन चार दल बना करके चुनाव में जाते हैं तो किसको नफ़ा होगा, किसको नुकसान होगा और जो दल थर्ड फ्रंट पे जाते हैं उनका क्या रोल रहेगा। रवि सर, चिराग पासवान की शर्त है कि पशुपति पारस जब तक NDA में रहेंगे तब तक वो NDA के पार्ट नहीं बन सकते हैं, क्या वो बहाना ढूंढ रहे हैं यहाँ से निकलने का, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी बन रही है? देखिए, निश्चित रूप से चिराग पासवान ने इस तरह का शर्त भारतीय जनता पार्टी के समक्ष रखा है जो उसके गले की फांस बनती हुई दिखाई पड़ रही है। देखिए, अब चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जो 2024 में होना, उसमें कितना कम समय रह गया है। अब ऐसी परिस्थिति में अभी तक ये अलायंस भी कभी माने पूरी तरह से घोषणा नहीं हो सका है कि कौन कौन अलायंस NDA में बिहार में रहेंगे। तो यह एक बहुत बड़ा पेंच दिखाई पड़ रहा है, राजनीतिक पॉलिटिकल पेंच, जो कि सब लोग समझ रहा है। और चिराग पासवान निश्चित रूप से अपने आप को हनुमान कहते हैं नरेंद्र मोदी का, और उनको राम उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हनुमान को राम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, यह भी बहुत बड़ी बात है। और चिराग पासवान का जो शर्त है वह तो आपने कह ही दिया, उसके अलावा जो है वो हाजीपुर संसदीय सीट की मांग कर रहे हैं। वो ऑन रिकॉर्ड है, उन्होंने कहा है कि हम जो अपने पिता से आंख नहीं मिला पाएंगे, स्वर्गीय उनके पिता जो रामविलास पासवान रहे, तो वह लगातार जा भी रहे हैं हाजीपुर में, वो एक तरह से मानकर चल रहे हैं कि हाजीपुर सीट उनको लड़ना ही है चाहे जो परिस्थिति रहे। तो वो ऐसी परिस्थिति में चिराग पासवान का जो शर्त है वह NDA मानता हुआ दिखाई नहीं पड़ा, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी में जो NDA फोल्ड है उसमें उनके चाचा पशुपति कुमार पारस नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में, नरेंद्र मोदी सरकार में वह जो मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तो वो ऐसे में उनको साइड ट्रैक करना, उनको हटाना, यह बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मीडिया के कई मीडिया चैनलों में कुछ कुछ चल रहा है, उस पर हमको नहीं जाना, लेकिन अंदर खाने में जो बात है वह मैं हम लोग बैठ करके बात कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित रूप से बहुत बड़ा पेंच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। इसी तरह से जैसे आपने बात कहा जीतन राम मांझी, नहीं पहले हम चिराग पासवान पे फोकस करते हैं। अब कहीं जैसा आपकी बातों से लग रहा है कि कहीं इसी वजह से तो यही वो शर्त है जो भारी पड़ रही है BJP पर, इसी वजह से इतने दिनों से ये मामला लटका हुआ तो नहीं है, अधर में तो नहीं है, डिसीजन नहीं हो रहा है, कोई घोषणा नहीं हो पा रही है? निश्चित रूप से अगर यदि ये इस तरह का अगर थोड़ा सा भी सिग्नल उनको मिला होता तो अब तक वो कब का NDA के फोल्ड में चले गए होते। इतना जो लंबा जो आपको नहीं दिखाई पड़ता, अभी सब कुछ हो रहा है, सब कुछ उपचुनाव के, विधानसभा के उपचुनाव में वह प्रचार भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बावजूद इसके वह NDA फोल्ड में नहीं जा रहे हैं ऑफिशियली, तो यह कहीं ना कहीं पेच दिखाई पड़ रहा है। यानी BJP असहज है या BJP ऐसी कोशिश करके थक चुकी है, सफलता नहीं मिली, इसी वजह से ये बातें अटकी हुई है, ये भी कह सकते हैं? निश्चित रूप से। चूंकि देखिए, अगर पशुपति पारस को जैसी शर्त है इनकी की हटाने की बात है NDA से, तो पशुपति पारस को ऐसा कोई इंडिकेशन मिला होता या BJP ने ऐसी कोई बात की होती, कोई प्रस्ताव रखा होता, तो इतना ठोक बजा करके, इतना मतलब पुख्ता तरीके से वो नहीं दावा ठोकते कि हाजीपुर तो हमारी सीट है, हम लड़ेंगे। देखिए, या फिर उनकी पार्टी के तमाम नेता जिस तरह से एग्रेसिव हैं, एक बात तो माना जा रहा है कि मौन सहमति BJP का है। एक बात तो समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी अपना पैर कुल्हाड़ी पर नहीं मारना चाहती है पशुपति कुमार पारस को हटा करके या पशुपति कुमार पारस को साइड ट्रैक करके, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं पशुपति कुमार, ये ठीक है चिराग पासवान रामविलास पासवान के पुत्र हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, लेकिन पशुपति कुमार पारस भी जब से रामविलास पासवान जब से राजनीति करने शुरू किए तब से वो उनके साथ में हैं और उनके वो पूरे संगठन
को बनाने में उनकी उनकी अहम भूमिका भी रही है। इस बात को भी भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इस बात को बेहतर ढंग से समझ रहा है कि पशुपति कुमार पारस को साइड ट्रैक करने का मतलब होगा कि एक बड़े वोट को जो है सो अपने पाले से हमको दूर करना, तो वह दोनों को साथ में रखना चाह रही है जो कि हो नहीं पा रहा है। अनि तो अगर यदि हुआ होता तो अब तक चिराग पासवान इंडिया के फोल्ड में चले गए होते, या उहापोह की स्थिति नहीं बनी होती कि जाएंगे नहीं जाएंगे क्या होगा कैसे, यह नहीं हो पाता। नहीं तो अगर ऐसा कुछ नहीं हो पाता है, नई शर्त मानी जाती है, शर्त कोशिश होती है, नहीं सफलता मिलती है, वैसी सूरत में चिराग पासवान क्या कर सकते हैं? देखिए महागठबंधन अकेले या फिर थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश होगी। देखिए एक बात तो है, अगर यदि चिराग पासवान उनके पाले में जाते गारंटी में तो अब तक औपचारिक घोषणा भी हो गई होती इस बात को, तो आप बात चल रही होगी हो सकता है, लेकिन हम काल्पनिक सवाल ही इसको बोल सकते हैं अगर ऐसा है तो, किंतु परंतु सारी चीजें ओपन होता है, उसमें कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। अगर बीजेपी वो शर्त नहीं मान पाती है, सफलता नहीं मिल पाती है, उन शर्तों पर खड़ा नहीं उतर पाती है बीजेपी, वैसी सूरत में चिराग पासवान अकेले चुनाव में जाना बेहतर समझेंगे या महागठबंधन में नीतीश कुमार से सारा बैर गिले शिकवे भुला करके नीतीश और तेजस्वी के साथ जाना चाहेंगे, या फिर कोई थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश होगी, और थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश होगी तो उसमें कौन कौन दल शामिल हो सकते हैं? देखिए एक बात तो समझना पड़ेगा कि कहने को तो अभी नीतीश कुमार जो सो चिराग पासवान के बहुत बड़े राजनीतिक दुश्मन हैं, लेकिन अभी अब जो है सो उनके सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन के तौर पर उनके पहले नंबर वन नीतीश कुमार को रखा जाता था, आज की तारीख में नंबर वन मुझे लगता है पशुपति पारस उनके चाचा। हाँ निश्चित रूप से यह हो गए। अब देखना है कि वो जैसे उनका शर्त भी है कि हम या वो बीजेपी को चुनना पड़ेगा कि मुझे चुनती है या फिर हाँ हमको चुनती है या फिर उनको माने चाचा को उनके पशुपति कुमार पारस को, तो यह उनका बहुत बड़ा शर्त है। इस बात को एकदम समझना पड़ेगा और हम समझें कि जनता भी इस बात को समझे कि देखिए पेच कहाँ फंसता हुआ दिख रहा है। नंबर एक, ऐसी परिस्थिति में अब यदि चिराग पासवान नहीं जाते एनडीए फोल्ड में तो निश्चित रूप से थर्ड फ्रंट की जो बात हम लोग बैठ करके कर रहे हैं तो ऐसी तरह से नहीं कर रहे हैं, यह दिखाई भी पड़ रहा है कि अब ऐसा आने वाले समय में अगर जल्द नहीं हुआ तो निश्चित रूप से चिराग पासवान, देखिए बिहार के 40 लोकसभा क्षेत्र में चिराग पासवान अपना वो जनाधार और पार्टी की वो संगठन को मजबूत कर रहे हैं और लगे हुए हैं, लंबे समय से लगे हुए हैं। बिल्कुल ये तो हम भी दावे के साथ कह सकते हैं कि चिराग पासवान सभी लोकसभा की 40 सीटों पर जीत नहीं सकते हैं तो हराने का मादा जरूर रखते हैं, खेल बिगाड़ने का मादा जरूर रखते हैं, उतना वोट है उनके पास निश्चित रूप से वो है। और देखिए वो यही जो है जो सबसे बड़ी बात है इसमें समझना पड़ेगा कि देखिए ये चिराग ये तीसरा मोर्चा की जो कवायद की हम लोग बात कर रहे हैं वो कैसे ये धुआं कैसे निकल रहा है, ये धुआं यही निकला कि इसमें AIMIM जो वरिष्ठ ओबीसी की पार्टी है वह बिहार में जो है सो नजर बनाए हुए है पिछले ही लोकसभा और विधानसभा के चुनाव से, इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल पिछली बार विधानसभा चुनाव में तो हाँ थर्ड फ्रंट बना के लड़ा भी था, हाँ तो ग्रैंड सेक्युलर अलायंस बनाया था, उपेंद्र कुशवाहा भी उसमें थे, बसपा भी था, तमाम लोग था, उपेंद्र कुशवाहा हाँ तो वो उसमें लड़ा था। और देखिए इस बार भी उसकी नजर है AIMIM की बिहार में, और सीमांचल का जो इलाका है उस सब इलाका में तो कोई कहने की बात ही नहीं है। अन्य जो क्षेत्र हैं अब देखिए विधानसभा का उपचुनाव हो रहा था उसमें गोपालगंज में भी उनकी पार्टी के उम्मीदवार थे और अच्छा खासा वोट उन्होंने लाया, कुर्नी में भी उम्मीदवार थे, तो यह कहीं ना कहीं वो उसकी नजर है और यही हम बताना भी चाह रहे हैं। तो ऐसे में AIMIM रहेंगे एक और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है वह, और उसके बाद से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम जीतन राम मांझी की पार्टी। देखिए जीतन राम मांझी भी जो है तो कहीं ना कहीं वह भी उनको भी उनकी भी शर्त ऐसी है कि 5 सीटें चाहिए हमें, राज्यसभा की सीट चाहिए, विधान परिषद की सीट चाहिए, बिहार सरकार में एक मंत्री का पद चाहिए, बहुत नहीं नहीं वो देखिए ना वो दो दो बार विजय चौधरी जो नीतीश कुमार के राइट हैंड माने जाते हैं वो उनसे उनको मनाने गए, फिर वो गवर्नर के यहाँ चले गए, फिर वो नीतीश कुमार से उसके पहले एक दिन पहले मिले थे, तो उसके बाद गवर्नर से मिलने के बाद में बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर ही उन्होंने ठिकरा फोड़ दिया। उसके बाद सबसे बड़ी बात थी जब मुलाकात हुई उन लोगों की अपने विधायकों के साथ नीतीश कुमार से मिले तब ये मैसेज सामने निकला या फिर उन्होंने बोला कि सब कुछ ठीक हो गया,
लेकिन उससे दूसरे ही दिन ये खबर आई कि विपक्षी दलों की जो बैठक है 23 जून को, उसमें मांझी को आमंत्रण ही नहीं मिला, निमंत्रण ही नहीं मिला है। वही कह रहे, तो यह कहीं कहीं वह भी महागठबंधन में अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं और महागठबंधन में उस तरह से इनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रही, नहीं मिल रही है। तो यही बात हम कह रहे हैं, इसी तरह से वो एनडीए के भी में भी उनका कहीं कुछ ऐसा नहीं दिखाई, एनडीए भी बहुत ज्यादा तो शायद नहीं। उसी तरह से आपको हम कहें तो मुकेश सहनी की पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी, VIP, उनके भी शर्त है। जैसा कि देवज्योति राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनसे बात हुई थी तो हमने पूछा था कि क्या ये खबर सही है कि 11 लोकसभा के सीट आप लोग बिहार, झारखंड और यूपी में मांग रहे हैं। तो उन्होंने न डिनाई किया न एक्सेप्ट किया, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जब चिराग, मतलब बताया उन्होंने कि मेरे पास 14-15% वोट बैंक है। मतलब एक तरीके से इसको एक्सेप्ट ही करना कहेंगे कि इतनी डिमांड है। वो देखिए VIP की एकदम स्पष्ट है, उसमें VIP की मांग है जितनी चिराग पासवान को लोकसभा में सीट चाहिए उतनी ही सीट हमको भी चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए, ज्यादा चाहिए, क्योंकि चिराग पासवान 5-6% है और उनका 14%। हाँ, और उसी तरह से विधानसभा में 2025 में होगा उसमें भी उनको सीट चाहिए पूरा। तो यह भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी मानने नहीं जा रही है, तो ऐसे में इनका भी एक तरफ इस फोल्ड में आने, तो ये हो गए AIMIM ओबीसी की पास्ट पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी, उसके बाद से माझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, विकासशील इंसान पार्टी, VIP हम, ये चार एकदम शायद आप एक बड़ी पार्टी का नाम बोल रहे हैं जो कि पिछली बार भी ग्रैंड सेकुलर जो बना था, अलायंस बना था, उसमें थी वो पार्टी मायावती जी, बहुजन समाज पार्टी। हो सकता है इसमें आराम से फिट बैठ सकता है। और बहुजन समाज पार्टी को आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हर चुनाव में उसका जो वोट बैंक है वो इधर उधर कहीं जाता ही नहीं है, जितना वोट है उतना मिलता है। और विधानसभा चुनाव में जमा खान तो समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे, उसी से जीते थे वो। और यहाँ पर तो वो अनिल सिंह करके हैं, उन्होंने पार्टी का विलय किया था उसमें। तो यानी 5 दलों का जरूर गठबंधन बनता दिख रहा है हमारे समझ से। और नहीं, वही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है जहाँ तक जो परिस्थिति जो लग रही है उसके मुताबिक। बिल्कुल बिल्कुल, यह एकदम निश्चित रूप से यह बात है। और हम तो यह जो दिखाई पड़ रहा है, तो अगर यदि थर्ड फ्रंट बिहार में बना तो यह निश्चित रूप से NDA और महागठबंधन दोनों के लिए यह परेशानी का सबक 2024 के लोकसभा चुनाव में दिखाई पड़ रहा है। ज्यादा अब चूंकि ये हो रहा है, ऐसी संभावना है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ऐसा होता है तो ऐसा होता है, ठीक है। किसको ज्यादा नुकसान होने की, मतलब अलायंस बन जाता है, थर्ड फ्रंट बनता है, तो किसको ज्यादा नुकसान होगा, BJP या महागठबंधन को? देखिए नुकसान तो दोनों को, दोनों को इक्वली दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि देखिए अगर ओबीसी की पार्टी अगर लड़ती है तो निश्चित रूप से सीमांचल का जो इलाका है उसमें उनको बहुत बड़ा जोल्ट महागठबंधन को मिलेगा। और इधर के क्षेत्र में आप चले आइए, सीधा फंडा है कि जिसको इन लोगों के साथ रहने से जिसको जितना फायदा होने वाला था, इनके अलग रहने से उसको उतना नुकसान होने वाला है। ठीक, सही बात है, बिल्कुल 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 एकदम सही बात है। यही होने होगा भी, अगर यदि तीसरा फ्रंट, तीसरा मोर्चा अगर बनता है बिहार में, तो ये निश्चित रूप से दोनों को, जो NDA और महागठबंधन दोनों को समान रूप से नुकसान दिखाई पड़ रहा है। अभी उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ दिया, मतलब उपेंद्र कुशवाहा की सेटिंग हो गई है, उपेंद्र कुशवाहा की सेटिंग हो गई। उपेंद्र कुशवाहा की ज्यादा बहुत इच्छा भी नहीं, इस बार ग्रैंड सेक्टर के वो CM कैंडिडेट थे, नहीं इस बार वो NDA के फोल्ड में है, इसलिए उनको इधर आने की बात अब करना बेईमानी होगी। लोकसभा चुनाव में साथ है ना, अगर विधानसभा चुनाव में यही दल को सफलता अगर इन लोगों को मिल जाती है तो उपेंद्र कुशवाहा को कहीं ऐसा ना हो कि फिर से CM कैंडिडेट बना के फिर वो भी चले आए इधर। नहीं ठीक है, वो बात की बात है, 2025 में देखा जाए, लेकिन 2024 के हम लोग बात कर रहे हैं, तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा की बात करना उचित नहीं है। ये भी हम लोगों को तीसरा मोर्चा जो हम लोग कह रहे हैं उसमें यही 4-5 पार्टी दिखाई पड़ रही है। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि ये उस परिस्थिति में होगा जब NDA में इनकी दाल नहीं जलेगी, या NDA यानी BJP से इनकी सेटिंग नहीं होगी, BJP से इनकी डील नहीं होगी, BJP इनकी शर्त नहीं मानेगी। बिल्कुल, लेकिन अगर मान लेती है तो फिर थर्ड फ्रंट इसी लाइन के साथ हम लोग इस चर्चा को विराम देते हैं। नमस्कार। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं खुशियाँ भी बनाते हैं।
आशीर्वाद रोज वैली जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।